एक रुपए की औकात नहीं है, जा कोर्ट से पैसे निकालो, लेके आ सामान, निकल भाग। और आज के बाद मेरे घर के आसपास ना भटक मत जाइयो, समझा? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पर तुम मेरे नौकर बन के क्यों रह रही थी, करोड़पति होने के बावजूद भी? ये ले, मैंने सारा सामान लिख दिया है, और ये पकड़ पैसे, सारा सामान बाजार से लेके आ, और सुन, एक भी सामान कम ना हो जाए। ठीक है मैम। अच्छा सुन, एक मिनट रुक, पहले टॉयलेट साफ कर, फिर बाजार जाना। ठीक है। ठीक है मैम। साहब क्या हुआ? वो टॉयलेट साफ करते हुए 10 रुपए पोर्ट में गिर गए, आप मुझे 10 रुपए और दे दीजिए ताकि मैं सामान लेके आ जाऊं। क्या तुझे पता भी है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और तू मेरे पैसे यूं बर्बाद कर रहा है? जा पोर्ट से पैसे निकाल, फिर सामान लेके आ। मैम 10 रुपए की तो बात है, आप दे दीजिए, क्यों गंदगी में हाथ डलवा रहे हो? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मैं बताती हूँ। 1 रुपए की औकात नहीं है, और तू मुझसे जवान लड़ा रहा है? जा पोर्ट से पैसे निकालो, लेके आ सामान। मैम साहब ये रहा सामान। सामान यहाँ रख, और गार्डन में जा, जाके गार्डन की घास काट। मैडम घास काटने वाली मशीन तो खराब हो गई है, तो घास कैसे काटूंगा मैं? अच्छा बहाने ढूंढ रहे काम चोरी के, किचन में से कैंची ले, कैंची से जाके काट घास। मैडम कैंची से घास कैसे काटूंगा मैं? मुझे नहीं पता, मुझे 1 घंटे में ना घास कटी हुई चाहिए, चाहे कैसे भी काट, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैडम नौकरी से मत निकालना, मैं काट रहा हूँ घास। जा हो गया, अभी तक घास नहीं कटी क्या इसकी? निजामुल, निजामुल इधर आ। जी मैम साहब। घास नहीं कटी अभी तक? मैम बच रहा है अभी काम थोड़ा सा। तुझे 1 घंटा दिया था मैंने, और अभी तक तुझसे कुछ काम नहीं हुआ। मैम साहब मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं सारी घास काट दूंगा। मैंने तुझ पे तरस खा के तुझे नौकरी पे रखा है, और तू यहाँ मेरा उल्टा दिमाग खराब कर रहा है। पैसे के पेड़ पे उगते जो तू मेरा इतना दिमाग खराब कर रहा है, इतनी काम चोरी करता है। अब मुझे तेरी शक्ल 1 मिनट भी नहीं देखनी, तू निकल यहाँ से, नौकरी पे आने की जरूरत नहीं तुझे कल से, निकल जा यहाँ से। मैम साहब मुझे नौकरी पे से मत निकालो। हाँ तू क्यों निकलना चाहेगा ऐसी नौकरी से जहाँ तुझे इतनी काम चोरी करने को मिलती है? मैम साहब पर तू ऐसे नहीं मानेगा, लग रहा है तुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। और आज के बाद मेरे घर के आसपास ना भटक मत जाइयो, समझा? निजामुल गेट खोलना। अरे यार उसे तो मैंने नौकरी से निकाल दिया, मुझे गेट खोलना पड़ेगा। हाँ बताइए भैया। मैम मैं बैंक से आया हूँ। अच्छा अच्छा आइए। मैम आपने अभी तक जितने लोन लिए हैं वो आपने 2 साल से भरे ही नहीं है, तो एज पर बैंक पॉलिसी हमें आपके घर की नीलामी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ मैम, पैसा वसूल करने के लिए हमें ये करना होगा, या फिर आप कल तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना हम कल आ रहे हैं और इस घर की नीलामी कर देंगे। प्लीज ऐसा मत करिए। सॉरी मैम, हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पैसों का इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना हमें मजबूरन ये काम करना पड़ेगा। ठीक है मैम मैं चलता हूँ। इस घर की नीलामी शुरू होती है 2 करोड़ रुपए से, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा ये घर उसका हो जाएगा, तो आइए नीलामी शुरू करते हैं। 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? 2 करोड़ 70 लाख, 3 करोड़, और कोई है जो 3 करोड़ से ज्यादा बोली लगा सके? 5 करोड़।
और कोई है जो 5 करोड़ से ज्यादा बोली लगा सके? 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3। इस घर की नीलामी यहीं खत्म होती है। सर आपका नाम क्या है? निजामुल खान। आज से ये प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है और ये रहे आपकी इस प्रॉपर्टी के कागज। ठीक है सर, हम चलते हैं। कौन हो तुम? निजामुल खान, सन ऑफ मलिक। क्या तुम मलिक साहब के बेटे हो? वो तो बहुत करोड़पति आदमी है। हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पर तुम मेरे नौकर बनके क्यों रह रहे थे करोड़पति होने के बावजूद भी? क्योंकि पिताजी ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। पर क्यों? बताता हूँ। जब तक तुम्हारे पापा जिंदा थे उन्होंने हमारे यहाँ पर ईमानदारी से काम किया नौकर का, तो इसी खुशी में मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को ये घर तोहफे में दिया। और जब उन्हें ये पता चला कि तुम्हारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। और जब मैं यहाँ आ रहा था तुम्हारी मदद के लिए तो मैंने बाहर लोगों से सुना कि तुम बहुत घमंडी और तुम लोगों की इज्जत भी नहीं करती। और जब मैंने लोगों से सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें आजमाया जाए और जब आजमाया तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आया। बाप कैसा और बेटी कैसी। निजामुल मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। माफ तो मैं कर दूंगा पर पूरे गार्डन की कैची से घास काटनी पड़ेगी। क्या? बस रुक जाओ, अगर मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसे तुमने किया तो तुम में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? घमंड अपनी मेहनत पर होना चाहिए, बाप की विरासत पे नहीं। ये पकड़ो